चंदन मुनि जी मासा की स्मृति में जैन समाज से गांधी परिवार नीमच जाट वाले अजित कुमार, राजेश कुमार, नरेश कुमार, कनिष्क कुमार गांधी के सानिध्य में लगभग 100 गरीब व निर्धन परिवारों को खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क वितरित की गई। वर्तमान में जहां विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन है और 21 दिवसीय जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसके कारण जैसे पूरा देश थम सा गया है, ऐसी परिस्थिति में नीमच जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर जाट निवासी गांधी परिवार, जो कि वर्तमान में नीमच में निवासरत है और उनके सानिध्य में जाट क्षेत्र में आने वाले ग्राम ग्वालियर कला, ग्वालियर खुर्द, खातीखेड़ा, बागपुरा, रूपुरा, माता खेड़ा, कुटली, अमृतिया सहित आदि गांवों में निवास करने वाले आदिवासी निर्धन व गरीब तबके के लोग, जो कि मजदूरी पर आश्रित हैं, लगभग 100 परिवारों को समाज सेवी राजेंद्र कुमार धक, शहजाद अली, राधेश्याम शर्मा, फरियाद नीलगर, पत्रकार आजाद खान, पत्रकार सिकंदर लोहार के सहयोग व पुलिस उप निरीक्षक श्री शंभू सिंह चुंडावत, जाट पुलिस चौकी प्रभारी की उपस्थिति में निःशुल्क खाद्यान्न सामग्री, आटा, शक्कर, चावल, तेल, चाय पत्ती व दालें, जो कि लगभग एक परिवार के लिए 10 दिन की राशन सामग्री है, निःशुल्क वितरित की। आप देख रहे हैं जाट से आजाद खान के साथ कैमरामैन सिकंदर लोहार की यह विशेष रिपोर्ट। कोरोना वायरस की जो संक्रमण फैला हुआ है उसकी महामारी के लिए जो जहां पर 21 दिन का जो लॉकडाउन सरकार द्वारा यहां पर किया गया है, उसके लिए जो छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में जो आम लोग प्रभावित हुए, जो दिन की मजदूरी करने वाले प्रभावित हुए हैं, जो अपने दैनिक उपयोग में काम में आने वाली चीज़ों के लिए भी प्रभावित हुए हैं, और हर जगह इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बाज़ार बंद पड़े हैं, कहीं आने जाने की समस्याएं हो रही हैं, तो इसको लेकर चंदन मुनि जी मारासा जो है उनके सानिध्य, उनकी स्मृति में गांधी परिवार जो कि नीमच रहते हैं और जाट वाले हैं जो नीमच रहते हैं, और उनकी तरफ से यहाँ पर इन गरीबों को जो खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे गरीबों को गांधी परिवार के सानिध्य में यहाँ पर खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई है, और इनके दैनिक उपयोग की चीज़ें जो इसके अंदर आटा है, चावल है, दाल है वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें इनको उपलब्ध कराई गई हैं। गांधी परिवार, हम बात करते हैं जो गांधी परिवार के यहाँ पर मौजूद है कनिष्क जी गांधी, ये इसके लिए क्या कहते हैं और इनको ऐसा करने से, ऐसा करके आगे इनके भविष्य में इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें इनसे अपन जानते हैं। आइए तो हम बात करते हैं कनिष्क जी गांधी से। कनिष्क जी जिस तरीके से आप यहाँ पर गरीबों की सहायता के लिए यहाँ पर जो खाद्यान्न सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराई इन गरीब जो यहाँ पर जो भील समाज के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं इनको, और इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि ये अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आपने जो एक बहुत बड़ी एक ये कदम उठाया आपने गरीब जनता के लिए, तो इसके लिए आपका क्या कहना है? ये हमारा कहना है, हमारे गाँव में, हमारे एरिया में जो भी गरीब लोग हैं कम से कम वो कोई भी भूखे नहीं सोए, बस इसी कामना के साथ, जैसा कि आप आज़ाद भैया ने बताया कि जो अभी सिचुएशन जो चल रही है उसको देखते हुए कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, बस इसी की व्यवस्था करते हुए। इस कोरोना वायरस को लेकर जो 21 दिन के जो लॉकडाउन जो हिंदुस्तान के अंदर, क्या पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है, और इससे जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं वो हमेशा जो अपने कृषि गुजारे से मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि लेकिन आज 8 से 9 दिन होने में आए हैं और ये अपना पेट भी समय पर भर नहीं पा रहे हैं, इसके लिए आपने ये कदम उठाया, चंदन मुनि जी मारासा के जो स्मृति में आपने ये कदम उठाया है, इसके लिए आपका क्या कहना है? सर, बहुत जो अपने चंदन मुनि जी महाराज साहब जो कुछ टाइम पहले जिन्होंने दीक्षा ली थी, उन्हीं की स्मृति में अजित कुमार जी, राजेश जी, नरेश जी गांधी की तरफ से ये कदम उठाया गया है, और कुल मिला के इसका एक ही है कि कोई भी गरीब भूखा नहीं सोए। ठीक है, तो अभी हमने कनिष्क जी गांधी से बात की थी, अब हम जाट के चौकी प्रभारी जी यहाँ पर मौजूद है साथ में, और इन्हीं के सहयोग से यहाँ पर जो सामग्री वितरण की जा रही है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये कदम कितना सराहनीय है और इससे आम पब्लिक के अंदर और आम जनता को क्या सहयोग मिल पाएगा और इनकी दुआएँ कहाँ तक कारगर होगी। क्या कहना है सर आपका इस कदम, गांधी परिवार की तरफ से जो कदम उठाया गया है इसके लिए आपका क्या कहना है सर? आदरणीय अजीत जी गांधी और उनके परिवार द्वारा जो गरीबों को भोजन वितरण करवाया गया है, इसके लिए वास्तव में ये बधाई के पात्र हैं। वर्तमान समय में कोरोना वायरस को लेकर के जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और विशेषकर गरीबों को इसका सामना करना पड़ रहा है, जबकि सरकार ने व्यवस्थाएं भी बहुत करी है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं पहुँच सकती है वहाँ पर ये गांधी परिवार ने इस प्रकार से भोजन की व्यवस्था की है, वास्तव में बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा ऐसी मैं आशा करता हूँ।
सर, इस कोरोना वायरस को लेकर जो संक्रमण है वो फैला हुआ है और इसके 21 दिवसीय इस बंद के आह्वान के बाद सर आम जनता के ऊपर जो ये प्रभाव पड़ रहा है सर, ये इनके खाने के भी लाले पड़ रहे हैं सर, ऐसी स्थिति में सर गांधी परिवार ने जो इतना बढ़िया कदम उठाया सर, ये वाकई में सराहनीय है सर। तो इसके लिए आगे भी सर भविष्य में ऐसा काम करते हैं तो इसके लिए सर आपको इनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पुलिस प्रशासन की तरफ से आदरणीय गांधी जी और उनके पूरे परिवार को हम पूर्ण सहयोग देंगे और जो भी जनता के व्यक्ति गरीबों की सेवा के लिए आगे आएंगे, समाज सेवी आगे आएंगे और जो भी हमारे भाई बंधु आगे आएंगे, हम बराबर उनको सहयोग करेंगे और पुलिस परिवार से भी जो सहयोग बनेगा हम गरीबों के लिए बराबर सहयोग करेंगे। आपके यहाँ पे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है और आपको ये सामग्री मिली है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा अच्छा हो रहा है ना? हम आइए इनसे बात करते हैं, ये बोलेंगे आपको ये खाने की जो सामग्री हमारे जाट से जो गांधी परिवार की तरफ से मिली है तो आपको अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आपके घर पे ये इन्होंने जो सहयोग किया है इससे आपको और बढ़िया लगेगा और आपके आगे भी कभी कोई ऐसी कोई परेशानी हो तो आप शासन प्रशासन को बताएं, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। आपको अच्छा लगा है सामग्री में? अच्छा लगेगा। ठीक है, तो किस तरह से गांधी परिवार की तरफ से यहाँ पे जो सामग्री वितरण की गई है और यहाँ पे जो पूर्ण रूप से सहयोग यहाँ पर सभी जो यहाँ पर हैं उनका मिला है और आगे भी इसी तरह मिलता रहे। इसी के साथ मेरे सहयोगी सिकंदर के साथ आजाद खान की खास रिपोर्ट SSC न्यूज़ के लिए।